हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई विश कि आप सब अच्छे होंगे और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे फेस्टिवल सीजन को। जैसे कि आप सब जानते हैं, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट आप खरीदते हो देख के, रिव्यू देख के, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कुछ आपको अच्छे मिलते हैं, कुछ आपको गड़बड़ भी हो जाती है। तो इसके लिए लोग ना यूट्यूब पर रिव्यू देखते हैं और इसी के लिए हम जैसे लोग रिव्यू बनाते हैं ताकि आपकी हेल्प हो सके। तो सबसे पहले अगर आप चैनल में नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसी तरीके की वीडियोस आपको और भी देखनी हो फ्यूचर में तो इससे क्या होगा, नोटिफिकेशन बेल के आइकन को भी क्लिक कर देना, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी सबसे पहले आपको मिल जाएगी, तो हो सकता है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो। तो ये तो हो गई फॉर्मेलिटीज जो कि हमें पूरी करनी होती है। तो आज का जो रिव्यू है वो है सुनिसा मशरूम फाउंडेशन, एयर कुशन वाला जो होता है ना, जो बहुत ही ज़्यादा छाया हुआ था और अभी भी छाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा आप देखेंगे ना उसको सर्च करके, इतने वीडियोस मिलेंगे आपको कि बिल्कुल अमेजिंग वीडियोस मिलेंगे कि बिल्कुल ब्लैक को वाइट कर देगा। तो उसकी जो सच्चाई है, जो उसकी रियलिटी है, वो आज हम चेक करने वाले हैं। तो काफ़ी टाइम हो गया है मैंने मंगाया था बट मैं रिव्यू नहीं कर पाई थी कंप्लीट। हाँ, शॉर्ट वीडियो बना के मैंने डाली थी पर कंप्लीट रिव्यू नहीं शेयर कर पाई थी, शॉर्ट में उतना नहीं पता चल पाता है जितना कि हमें डिटेल में पता चल पाएगा। तो ये इसकी पैकेजिंग है सुनिसा फाउंडेशन की, और ये इसका इसको ऊपर का ढक्कन ना थोड़ा सा मिला नहीं है, सफाई वफाई की थी तो वो मिल नहीं पाया है, इसको ऊपर एक कवर सा था, इस तरीके की पैकेजिंग में आया था, 200 समथिंग था। जो प्राइस है इसका वो मैं नीचे स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। तो इस तरीके की पैकेजिंग है और ये आपको इसके साथ मिलता है ब्लेंडर, तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ एक बार। तो ये इसमें आपको मिलेगा मिरर और इस तरीके का ये फिंगर प्रिंट टाइप का इस पर निशान बना हुआ है। उसके बाद इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पुल, ये देखिए यहाँ पुल लिखा हुआ है, इसको ओपन करते हैं शीट में, और ये देखिए आप, मतलब जैसे कि वीडियोस वगैरह में दिखा रहे थे और जैसे कि आप बहुत सारी वीडियोस देखेंगे उसमें आपको दिखाया जाएगा कि ओपन करते के साथ ही यहाँ पे कुछ ऐसे डिप करना पड़ता है, ऐसे प्रेस करना पड़ता है तब फाउंडेशन निकलता है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बिल्कुल अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊंगी ना, बिल्कुल भी, ये देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे पानी में ना कॉम्पैक्ट पाउडर घोल रखा है, इस तरीके की इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको यहाँ बंद कर देते हैं, थोड़ा सा मेरे ऊपर ये निकल भी गया है, कपड़े गंदे कर दिए इसने मेरे। फिर इसको फिर ये यहाँ से भी खुलता है थोड़ा सा इस तरीके से, और ये नीचे कुछ फाउंडेशन देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए आप, मतलब बिल्कुल लोगों का इस कदर बेवकूफ बना रखा है कि बस इतने अच्छे रिव्यू कहाँ से लेके आते हैं वो प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट मैंने भी परचेज किया है बट अब आप देखिए मैं इसका रिव्यू करूँ तो करूँ कैसे, मतलब क्या दिखाऊँ मैं आपको इसमें, जब ये पहले से पानी सा हो रहा है तो उसको क्या मैं फेस पे अप्लाई करके दिखाऊँ। इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा गंदी है ना कि बस क्या ही बताऊँ मैं। स्टार्टिंग में मैंने अभी इसको बनाया था, कलर तो ये आपको देगा, देखो मैं दिखाती हूँ थोड़ा सा अप्लाई करके आपको, शॉर्ट वीडियो में बनाया था ना मैंने, ये देखिए यहाँ पर वाइट तो आपको कर देगा, लेकिन मतलब ऐसे वाइट होने का भी मतलब ऐसा क्या सफ़ेद होने का क्या पड़ी आपको, कि इसमें स्मेल भी अच्छी नहीं है, आपको वॉमिटिंग आ जाएगी अगर आप आधा घंटे भी लगा के रखते हैं इसको, थोक के भाव में लगा रखा हो उन्होंने, जिन्होंने रिव्यू किया है ना इसका, बेस्ट रिव्यू किया है उन्होंने, थोक के भाव में लगा रखा होगा क्योंकि जरा सा लगा के तो कुछ हो ही रहा है, हल्का फुल्का लगा के तो कुछ हो ही रहा है। ये देखिए आप, मैंने इस पर पूरा डिप करके तब ये अप्लाई किया है हैंड पे, तब जाके ऐसा वाइट और बाल कुत्ते की तरह हो रहा है। तो मतलब फ़ायदा क्या है इसको लेके बताओ, मेरे ना पूरा अमाउंट वेस्ट गया है इसको लेके, मैं इसको जीरो से भी माइनस से भी कम रेटिंग दूंगी, ना तो इसकी पैकेजिंग अच्छी निकली है ना ही ये फाउंडेशन किसी भी काम का है। कि अगर जैसे कि मैंने पहले परचेज किया था, सस्ते के चक्कर में इंसान एक थोड़ा सा ठग जाता है, कई बार हो जाता है ऐसा, इसीलिए तो कहते हैं कि सस्ता नहीं लेना चाहिए, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार। तो इसीलिए मैंने इससे पहले हुडा ब्यूटी की किट ली थी, उसका फाउंडेशन भी इतना वर्स्ट नहीं था जितना कि इसका निकला है।
बस ब्लेंडर ही समझ लीजिए आपके, बस इसके ही रुपए समझिए, यही रुपए वसूल कर सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं है इसमें देखिए। और ना अगर चलो ठीक है आपने ज़्यादा क्वांटिटी करके फेस पे अप्लाई कर भी लिया, आप गोरे हो भी गए, आपको सफ़ेद बना भी दिया इसने, तो उसका क्या फ़ायदा, वो ना केकी सा लुक आता है, केकी सा लुक होता है ना ये देखिए आप, मतलब ब्लेंड नहीं होता है अच्छे से स्किन में, एकदम एकदम उभरा उभरा सा, जैसे आपने पाउडर को घोल के लगा लिया हो सेम वैसी, पाउडर को घोल के लगाते हैं ना तो जैसे फीलिंग वैसी आ जाती है ना, मतलब उभरा उभरा सा होता है कुछ उस टाइप का सेम इसका है। तो मेरी तरफ से तो इसको गाइस बिल्कुल भी मत लेना, इससे अच्छा तो आप लैक्मे की बीबी क्रीम लीजिए, सीसी क्रीम लीजिए, गार्नियर की लीजिए, फेयर लवली भी ले लेंगे ना ऑलमोस्ट तो वो भी इससे अच्छी रहेगी। तो इसमें तो मेरा पूरा ये मेरा अपना ओपिनियन है, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो परचेज करके देख सकते हैं, और मेरी तरफ से तो इसको 0 स्टार है। मैंने तो बस ये रखा हुआ भी सिर्फ इसीलिए था इसका कि मुझे रिव्यू वीडियो बनानी थी कम्प्लीट एक, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ था, अदरवाइज तो इसको अपनी वार्डरोब में रख के भी रखना भी रिस्की है, मतलब पता नहीं कि कहाँ से ये लीकेज हो जाए, और बिल्कुल ही पानी वाटर की कंसिस्टेंसी में है ये, तो इसलिए अब मैंने रखा था। बट इसका ब्लेंडर तो मैं रखूँगी वो ठीक है, और इसको तो मैं फेंक देने वाली हूँ, हो सकता है इसका ऊपर का जो मिरर है वो यूज़ में ले लूँ थोड़ा सा, तो इसलिए तो मैं आपको अपना पर्सनल ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, झूठ बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, जैसे लोग दिखाते हैं ना कि हम बिल्कुल वाइट हो गए हैं और बहुत अच्छा है एयर कुशन ये वगैरह, सब कुछ फेक है, और ऐसा तो होगा नहीं कि मतलब स्पेशली मुझे ही खराब प्रोडक्ट मिला है, ऐसे ही प्रोडक्ट्स होंगे, अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप ट्राई करके देख लीजिए, बट ये ऑनेस्ट रिव्यू है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसी तरीके के ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए हो, ऑनेस्ट वीडियो चाहिए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।